मैं तो पैदा ही यहीं हुआ था। ये हमारे फैमिली में आई है तकरीबन कोई 1862 में, ये तो ये कम से कम कोई 4-5 जनरेशन से यहाँ यहीं पैदा हुई। ये मीडिया की इस तरह है कि ये पार्टी प्लेस है, पार्टी यहाँ कोई नहीं होती। नसीरुद्दीन शाह जो हैं वो अभी तो यहीं ठहरते हैं, कुछ इंडियन फिल्म स्टार जो थे वो भी, आमिर खान और उनकी वाइफ किरण। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो लोग मेरे लिए, वो कायदे आजम की बेटी थी, उससे बड़ा बंदा कोई नहीं आया यहाँ। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूँ किरण भट्ट और आप देख रहे हैं व्हाट्स द बज़। आज हम लोग जिस जगह पर मौजूद हैं उसको कहते हैं हवेली बारूद खाना, ये इसका नाम है। इसका नाम क्यों ये है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, हम लोग आज आपको मिलवाएंगे जो ऑनर हैं इस हवेली के, और उनसे पूछेंगे कि इस हवेली में ऐसी क्या खासियत है जो ना कि ये सिर्फ अंदरून शहर की पहचान है बल्कि पाकिस्तान की पहचान है बैन अलाक्वामी सतह पर। और कई ऐसे स्टार्स हैं जो कि हॉलीवुड के हैं, बॉलीवुड के हैं, जो यहाँ पर आके रहना पसंद करते हैं। तो आइए जानते हैं मियाँ यूसुफ सलाहुद्दीन से, वो इस हवेली के बारे में आपको क्या बताते हैं। इसका नाम हवेली बारूद खाना इसलिए है कि सिखों के ज़माने में महाराजा रंजीत सिंह की जब हुकूमत थी तो ये जो कमांडिंग ऑफिसर था उनका, जो लाहौर की सिटी का जो डिफेंस का इंचार्ज था, या आप कह सकते हैं जो लाहौर का कोर कमांडर था, उसका ये घर भी था और इसके साथ अटैच्ड ऑफिसेज और सारा एमुनेशन डंप, गन पाउडर, कैनन्स, राइफल्स, घोड़े, सब चीज़ें जो थी वो यहाँ मौजूद रहती थी उसकी सुपरविज़न के लिए। इसीलिए इसको हवेली बारूद खाना कहते हैं। और जो सामने जिस जहाँ ये वाक़ है पानी वाला तालाब में, तो इस बाजार का नाम भी बाजार बारूद खाना ही है। अंदरून शहर की तंग और बल खाती गलियों से गुजरते वक्त जब अचानक आपकी नज़र इस हवेली पर पड़ती है तो इसका सकाफती ढांचा आपको गुजरे हुए वक्त की याद दिलाता है। कौन सी जनरेशन है जो अभी इस हवेली में रह रही है? मैं तो पैदा ही यहीं हुआ था, सो एंड आई वाज बोर्न इन 51। तो ये हमारे फैमिली में आई है तकरीबन कोई 1862 में, ठीक है, और तब से हमारी फैमिली के पास ये, तो ये कम से कम कोई 4-5 जनरेशन से यहाँ यहीं पैदा हुई। तहरीके पाकिस्तान में हवेली बारूद खाना ने एक खास किरदार अदा किया है। मियां अमीरुद्दीन, मियां निजामुद्दीन और चौधरी सुल्तान जैसे अजीम लीडर इसी हवेली पर अपनी अहम मुलाकातें करते रहे हैं। ये फिर एक हब रहा, यू नो, ऑफ मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स गेटिंग हियर टुगेदर, और यहीं से आप कह सकते हैं कि नजरिया पाकिस्तान भी बना। मेरे जो दादा थे वो कायदे आज़म के बहुत ज़्यादा उनके क्लोज थे, उनके बहुत बड़े एलाई थे, उनको ट्रस्ट भी कायदे आज़म बहुत करते थे। इसीलिए जब पहला इलेक्शन लाहौर में हुआ मेयरशिप के लिए, तो उसमें उन्होंने मियां अमीरुद्दीन को ही टिकट दी और वो कामयाब भी हुए उस इलेक्शन में 1946 में, एक साल पार्टीशन से पहले। उसके अलावा 1940 का जो जलसा था वो भी जो था, उसके जो पंडाल कमेटी के चेयरमैन थे वो भी मियां अमीरुद्दीन थे। तीन लोगों की काविश थी कि ये जलसा जो है 23 मार्च वाला ये हुआ, इसमें नवाब शाह नवाज ममलोट, मियां बशीर अहमद जिन्होंने बड़ी मशहूर नज़म कायद पे लिखी थी मिलत का पासवां मोहम्मद अली जना, और पढ़ी भी थी 23 मार्च को, और मियां अमीरुद्दीन जो मेरे दादा थे, क्योंकि उस वक़्त की जो सरकार थी तो यूनियनिस्ट पार्टी की, मेरा ख्याल है सरकार थी, सर सकंदर हयात उसके प्रीमियर थे पंजाब के। इसकी मेंटेनेंस पे आपको पर मंथ कितना खर्चा कोई मतलब लगता है, इसकी सफाई पे या कोई कोई रेनोवेशन है उस पे? रेनोवेशन तो इसकी होती रहती है हर वक्त। अब मैं आके ना इतने सालों से इस तरह मैंने नहीं किया कि एकदम मेरे को जी इतना पैसे लगा दिए सब। ये मैं यहाँ मूव किया हूँ 1986 में, 86 से मूव किया हूँ, और आहिस्ता आहिस्ता कभी एक फ्लोर ठीक करा लिया, कभी एक छत ठीक करा ली, कभी कुछ ठीक करा लिया, कभी करते 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 ये अब कोई 3 साल पहले मैं समझता हूँ इस हालत में ये हवेली आई, इसका हर कमरा जो है यूज़बल है। अच्छा,
famously known as a very party place or party haveli. What do you think ke abhi jo covid hai usse kitna iske jo wo party system hai us pe effect hua hai? Ye media ki इस तरह है कि ये पार्टी प्लेस है. पार्टी यहाँ कोई नहीं होती. यहाँ सिर्फ जो भी महफिलें होती हैं वो या तो मेरा अपना प्रोग्राम पिछले 12 साल से रिकॉर्ड होता है, अब उसको अगर आप पार्टी कहना चाहें तो बड़ी खुश मैं क्या कह सकता हूँ. वो एक पाकिस्तान टेलीविज़न के साथ मुझे एक प्रोग्राम करते हुए 12 साल हो गए हैं, विरसा हेरिटेज रिवाइव्ड, और वो म्यूज़िक का प्रोग्राम है अभी भी कंटिन्यू, क्योंकि कोविड की वजह से ज़्यादा रुका हुआ, वरना वो अब मैं सोच रहा हूँ कि उसकी ज़्यादा लोगों को ना बुलाऊं और कम लोगों में बैठ के तो हम उसको रिकॉर्ड कर लें, तो इंशाल्लाह आप शुरू करेंगे. मेरे प्रोग्राम में सेलिब्रिटीज़ बिल्कुल आते हैं और शौक से आते हैं, और एक ये है कि मेरे साथ सबका एक बड़े प्यारे अच्छे तल्लुकात हैं, चाहे वो मेरी उम्र के लोग हों या मेरे से तुम्हारी उम्र के लोग हों. सो आई एम वेरी स्पेशली जो यंगर जनरेशन है उसके साथ मेरी बड़ी एक अटैचमेंट है, बिकॉज मैं जो भी काम करता हूँ मेरी ये ख्वाहिश होती है कि द यंगर जनरेशन शुड यू नो. अब मेरा प्रोग्राम जो है मैं दुनिया उसको म्यूज़िक का प्रोग्राम चाहे कहे, लेकिन मेरे लिए वो म्यूज़िक प्रोग्राम नहीं है, मेरे लिए ये एक एजुकेशन है. उसमें इकबाल शनासी है, उसमें गालिब शनासी है, उसमें आपका सारा सूफ़ी जो कल्चर है उसमें मौजूद है, फिर कभी कभी आपका जो हिस्टोरिकल फिल्मी कल्चर है पाकिस्तान का, खसूसन पाकिस्तान का, तो वो उसमें मौजूद है. सो वाई इन ओवर द इयर्स बड़े बड़े अच्छे आर्टिस्ट मैंने यू नो इंट्रोड्यूस किए हैं इंडस्ट्री के अंदर. आप बसंत को कितना मिस करते हैं? बहुत ज़्यादा. बचपन से मेरा मतलब है कि जब से होश संभाली बसंत करते आए हैं, और अब नहीं हो रही तो बहुत दुख है और तकलीफ़ है. लेकिन इसमें मैं किसी भी हुकूमत को आई डोंट पुट देम टू फॉल्ट. आई थिंक कि इसमें सबसे ज़्यादा फॉल्ट लोगों का है. इस मुल्क में इतना नाजायज़, और वो जो न्यू मनी आ गई है और उनकी जो औलादें हैं वो ऐसी ऐसी डोरे मांगती हैं कि जो किसी को कोई काट कोई उनकी गुड्डी को ना काट सके. यानी कि वो स्पोर्ट्समैनशिप जो है ना वो ख़त्म हो गई है लोगों के अंदर, और इसीलिए इस तरह की डोरें ये क्रिएट हुई हैं, और फिर वो कहते हैं कि जी गुड्डी, उनसे लोगों की गर्दनें कटती हैं, और कोई भी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता. हालाँकि मैंने कोशिश की है इस चीज़ की. ओवर द ईयर्स जब मियाँ शहबाज साहब की हुकूमत थी तब भी मैं उनकी कमेटी के बहुत सारी कमेटीज़ में मैं रहा उनकी, और इसमें से बसंत कमेटी भी बना करती थी हर साल. लेकिन फिर वो एंड में आके सब डर जाते थे कि भी अगर कोई किसी की जान चली गई तो बुरा होगा. मैं समझता हूँ कि एक इसका हल है कि अगर इसको सिर्फ कन्फाइन कर दिया जाए ओल्ड सिटी है, बस ये 12 दरवाज़ों के अंदर इसको कन्फाइन कर दिया जाए, और जो ये है आपकी अल्लाह आपका भला करे जो ये सर्कुलर रोड है इसके ऊपर एक दिन के लिए मोटरसाइकिल बैन कर दें सिर्फ वहाँ, तो फिर ये एक आई थिंक कि ये सिचुएशन जो है ये कंट्रोल में रह सकती है. और एक फेस्टिवल भी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है और ये सारी दुनिया में तो अभी पहचाना ही जा रहा था. ये अगर इसको हम ना इसको बर्बाद ना करते और तबाह ना करते तो ये इतना बड़ा एक्सपोर्ट अर्नर था पाकिस्तान के लिए कि कोई आपकी टूरिज़्म इतनी एक्सपोर्ट अर्नर नहीं थी जितनी के लिए थी. व्यूअर्स, जैसे कि यूसुफ साहब ने बताया कि बसंत भी एक फेस्टिवल है अंदरून शहर का, अंदरून शहर उसके लिए जाना जाता था, लेकिन अभी जो है हमें मज़ीद उस पर काम करने की ज़रूरत है. हवेली बारूद खाना में इस टाइम हम लोग मौजूद हैं. बाहर से जो हमने हवेली का स्ट्रक्चर है वो आपको ऑलरेडी एक दफ़ा दिखा दिया, सो लेट्स सी कि हवेली अंदर से कैसे लगती है. Thank you.
व्यूअर्स, जितनी ये हवेली बाहर से खूबसूरत है उससे डबल ये अंदर से खूबसूरत है। अभी तक इसकी कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि 150 साल 200 साल पुरानी उसी हालत में हैं। हम लोग यूसुफ साहब से ये पूछना चाहेंगे कि इन्होंने एक ये कमरा डेडिकेट किया हुआ है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एंटीक सामान पड़ा हुआ है, तो वो इसको किस तरह से प्रिजर्व करते हैं। तो यूसुफ साहब ये बताइएगा कि आप इतने ज़्यादा ये जो एंटीक्स हैं इनको प्रिजर्व कैसे करते हैं? एंटीक्स को मतलब कि ये हवेली का ही फर्नीचर है, शुरू से ही है और यही इस्तेमाल होता था। उसको कुछ ज़्यादा मैंने कुछ चेंज नहीं किया। मैं कुछ चीज़ें कलेक्ट कर मुझे कोई शौक़ नहीं है अपना, आई एम नॉट अ कलेक्टर, ठीक है। तो जो चीज़ें हैं जो मुझे विरसे में मिली हैं वो वही हैं। हम आई थिंक सिखों के ज़माने में ये शायद उनका ऐसा कमरा था जहाँ ये सामने वाला जो एल्कोव है बहुत खूबसूरत शीशे का काम है सारा, जिस तरह शीश महल में हुआ और वो अंदर भी सारा इस पे, बल्कि वॉल के ऊपर उस सिख जनरल की दो तस्वीर भी बनी हुई हैं। ये इनका ऐसा कमरा उस वक्त होगा कि जहाँ ये बैठ के जब ग्रंथ यहाँ रखते थे और ग्रंथ की जो होती थी वो यहाँ इसको सोना करते थे। फिर जब फैमिली के पास आया तो उन्होंने इसको बना दिया एज अ सिटिंग रूम। जो अच्छा, इस हवेली का नाम सल्ली हवेली कैसे पड़ा? नहीं, वो हमें लोगों ने डाल दिया अब मेरे नाम से, बल्कि मुझे भी मेरा नाम भी सल्ली नहीं है, मेरे वालिद को मियाँ सल्ली लोग कहा करते। उनकी डेथ के बाद मुझे लोगों ने यूसुफ सल्ली कहना शुरू कर दिया, तो मैंने भी अपने आप का नाम भी यूसुफ सल्ली कर लिया। मैंने कहा चले ठीक, जहाँ जहाँ कई दफ़ा यूसुफ सल्ली, मेरा मतलब मेरी फेसबुक, मेरा यूट्यूब चैनल इज़ यूसुफ सल्ली, ज़्यादा लोगों को उस बात का। अच्छा, एक और जो मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगी वो ये है कि वॉल्ट सिटी ऑफ अथॉरिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऐसी जगहों को प्रिजर्व करने के लिए काम करती है। लाशारी साहब भी काफ़ी ज़्यादा जद्दोजहद करते हैं। आगे आने वाली यंग जनरेशन को आप क्या समझते हैं कि ऐसे जो घर हैं या ऐसी कोई विरासत है हमारी, उसको गवर्नमेंट को किस लेवल पर जाके प्रिजर्व करना चाहिए? कर रहे हैं, जो मैं खुद जो वॉल्ट सिटी अथॉरिटी है उसकी जो हेरिटेज कमेटी उसका मैं चेयरमैन हूँ और जो इनका बोर्ड है उसका भी मैं मेंबर हूँ। बहुत अच्छा काम हो रहा है। अभी आप इंशाल्लाह देखेंगे कि ये जो बफर जोन बन रहा है शाही किले के इर्द गिर्द, शक्ल ही बदल जाएगी यहाँ की। इट्स गोइंग टू बी एन अमेजिंग अमेजिंग चेंज। एक 5-स्टार होटल आ रहा है यहाँ। ये सारी जो रिम की मार्केट है ये ख़त्म हो जाएगी। यहाँ बहुत बड़ा एक पार्क होगा शहर के लोगों के लिए। अली पार्क भी जो है ये एक्सटेंड होगा जो किले की सीढ़ियों तक, जो अली पार्क वहाँ जाएगा, जो सड़क है फोर्ट रोड वो शायद इतना हिस्सा जहाँ तक किले तक अंडरग्राउंड चली जाएगी। तो ये तो इसको बिल्कुल ही, मेरा मतलब है इसकी शक्ल ही बदल जाएगी बिल्कुल ओल्ड सिटी की। और आहिस्ता आप देखेंगे कि बड़ा जुल्म वैसे हुआ है कि इतनी चीज़ें पुरानी इमारतें, अब ये इस सारे इलाके में एक मेरा पुराना घर है। एक ज़माने में सारे पुराने घर थे, एक एक करके लोगों ने तोड़ के नए बना लिए। तो वो प्रिजर्वेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। आप सारी दुनिया में जा कर देखें, यूरोप में देखें, 16th century, 15th century, 14th century के पूरे पूरे विलेजेस हैं जो उसी तरह हैं और कोई चेंज नहीं। मैं आज अपना घर तोड़ दूं किसी ने मुझे नहीं पूछना, हालांकि ये मैंने प्रिजर्व इसको उस लिस्ट में रखाया हुआ है कि जो इसको नहीं तोड़ा जा सकता। लेकिन यहाँ अभी भी वो चीज़ होती है, बड़ा मुश्किल है इस सारी चीज़ को कंट्रोल करना। बाहर तो आप ऐसा घर आपके पास हो तो आप एक चिटकनी नहीं उसकी चेंज कर सकते विदाउट लोकल जो गवर्नमेंट है उससे इजाज़त लिए बगैर। तो ये अगर हम इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी, अगर इस तरह के घर में जो अब ये एक ही घर है सारे लाहौर में कि जो लिवेबल वहाँ, इट्स अ लिविंग यू नो हाउस कि जहाँ लोग रहते हैं, यू नो एक आना जाना है लोगों का, इट्स अ प्रॉपर हाउस। तो अब ज़्यादा नहीं रह गए, बहुत मेरे ख्याल कोई भी शायद नहीं रह गया। थोड़ा सा फ़कीर खाना है बिल्कुल, वो है कुछ सैयद बाबर अली ने एक अपनी जो उनकी जो वालदा की कुछ प्रॉपर्टी थी उसको कुछ बेहतर किया हुआ, जहाँ उनका इमाम बारगाह है। इस तरह की जिस तरह अपना इनकी कसल बादशाहों की जो हवेली है, मुबारक हवेली, वो भी कुछ थोड़ी बहुत प्रिजर्व्ड है। लेकिन उसके अलावा बहुत बहुत खूबसूरत बिल्डिंग जो हैं वो गिरा दी गई हैं और किसी ने परवाह नहीं की। अच्छा, आपने कहा लोगों का बहुत ज़्यादा आना जाना रहता है, तो ऐसे कौन से इंटरनेशनल बॉलीवुड या हॉलीवुड स्टार्स हैं जिन्होंने ये हवेली विजिट की हुई और जो प्रेफर करते हैं यहाँ के रहना? नसीरुद्दीन शाह जो हैं वो मेरे बहुत प्यारे अच्छे दोस्त हैं। वो जब भी आते हैं तो खुद भी या अपनी फैमिली के साथ भी तो यहीं ठहरते हैं। और बाकी सब जो भी पाकिस्तान आया है सारों ने विज़िट किया है हवेली को। बहुत से लोगों ने, लेडी डायना ने भी और
जिस तरह कि वर्ल्ड सेलिब्रिटीज़ तो बहुत आए हैं, एलिजाबेथ हर्ली यहाँ आके मेरे पास ठहरी, फिर जितने कुछ इंडियन फिल्म स्टार जो थे वो भी, आमिर खान और उनकी वाइफ किरण वो भी, और विनोद मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे विनोद खन्ना, उनका भी इंतकाल हो गया, वो भी यहाँ आए हुए हैं, रेखा जी आई हुई हैं यहाँ, और इसी तरह यू नो अब मुझे याद, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो लोग मेरे लिए, जो मेरी नज़र में जिसने मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया और जिनकी वजह से मुझे बहुत खुशी हुई कि ये घर मैंने यू नो, वो कायदे आज़म की बेटी थी, उससे बड़ा बंदा कोई नहीं आया यहाँ, ना मैं किसी को समझा है उससे कोई ज़्यादा कोई बड़ा इंसान है, उनके आने की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी और बहुत ज़्यादा मुझे एक मेरे लिए एक इमोशनल एक टाइम था वो जब वो यहाँ तशरीफ लाएं। इमरान खान को क्या कहना चाहेंगे? आई नो ही इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। इमरान खान को मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ध्यान दें ख़ास तौर पे कि जो कीमतें हैं, जो मैं कल ही देख रहा था अंडे की कीमत जो है वो 20 रुपए हो गई है, ठीक है, सो आई थिंक द गवर्नमेंट शुड बेसिकली नाउ कॉन्सेंट्रेट ऑन आम बंदे के को सहूलत मिले, प्राइस आई थिंक दे मेहनत कोशिश हो रही है और जेन्युइन कोशिश हो रही है कि अब जो टफ टाइम था वो थोड़ा थोड़ा सा ओवर हो। सो व्यूअर्स, आज हम लोगों ने आप लोग को एक विजिट करवाया हवेली बारूद खाना का। ऐसी हवेलियाँ, ऐसी जगह जो कि अंदरून शहर में बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, हमारे आने वाली नस्लों के लिए इनकी प्रिजर्वेशन बहुत ज़रूरी है ताकि वो अपनी हिस्ट्री, अपनी सकाफत और अपने कल्चर के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल कर सकें। आपसे मुलाकात जल्द दोबारा होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।